एसएमई आईपीओ इंडेक्स लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। सोमवार यानी 6 मई 2024 को बीएसई का एसएमई आईपीओ इंडेक्स 74,707 अंक की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। अप्रैल 2024 यानी बीते महीने में इंडेक्स ने 31.5% का रिटर्न दिया है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स में तेजी के लिहाज से दिसंबर 2021 के बाद अप्रैल का महीना सबसे अच्छा रहा है। दिसंबर 2021 में एसएमई आईपीओ इंडेक्स में करीब 60% का उछाल देखने को मिला था। वहीं पिछले एक साल में एसएमई आईपीओ इंडेक्स लगभग 3 गुना का रिटर्न दर्ज कर चुका है। तो आखिर एसएमई आईपीओ इंडेक्स में जारी ताबड़तोड़ तेजी के पीछे वजह क्या है? अब इस क्षेत्र में रणनीति कैसे बनानी चाहिए? अच्छे एसएमई शेयरों का चुनाव कैसे करना चाहिए? आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एसएमई आईपीओ इंडेक्स की तेजी के पीछे वजह क्या है। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच की ओर से एसएमई आईपीओस के वैल्यूएशंस और कुछ शेयरों के भाव में हेराफेरी को लेकर जाहिर की गई चिंताओं के बावजूद इस इंडेक्स में तेजी का सिलसिला जारी है। बीते 6 महीने में ये इंडेक्स करीब 75% और 5 साल में 43 गुना कमाई करा चुका है। इस जबरदस्त तेजी के पीछे 3-4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है इस सेगमेंट में हाल फिलहाल में हुई मजबूत लिस्टिंग और शेयरों का मजबूत प्रदर्शन। ट्रेंडलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, बोंदादा इंजीनियरिंग, हर्षदीप होटिको और दीपक केमटेक्स ने 50% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का शेयर तो 1 महीने में 2 गुना हो चुका है। दूसरी वजह है ग्लोबल स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितता के दौर में एसएमई सेक्टर के शेयरों में बड़े और संस्थागत निवेशकों की ओर से बढ़ती रुचि। इस सेक्टर के शेयरों को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए सुरक्षित और स्ट्रेटेजिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दिग्गजों की तुलना में इन शेयरों को पोर्टफोलियो में ज्यादा स्थिरता देने वाले और अधिक ग्रोथ की क्षमता वाला माना जाता है। तीसरी वजह है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर बढ़ता भरोसा। और चौथी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों से भारतीय बाजार एसएमई आईपीओस के लिए निवेशकों के अनुकूल बने हुए हैं। सरकार ने पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को आसान किया है, निवेशकों की सुरक्षा के लिए उपाय शुरू किए हैं और सबसे अहम है बिजनेसेस के लिए आईपीओ लॉन्चिंग के बढ़िया माहौल। एसएमई क्षेत्र के आईपीओस में आए उछाल और बढ़ते भरोसे का अंदाजा इस सेक्टर की कंपनियों की ओर से आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम से भी लगाया जा सकता है। 2024 के पहले 3 महीनों यानी जनवरी मार्च के दौरान एसएमई कंपनियों ने 2012 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इससे पहले साल 2023 में 4,686 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, जो कि 2022 की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। साल 2012 में एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत के बाद से ये एक साल में जुटाई गई सबसे ज्यादा रकम है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल का मानना है कि हर हफ्ते एसएमई क्षेत्र से औसतन 5 से 7 आईपीओ आते हैं। महीने में 2-3 को छोड़कर बाकी सब लिस्टिंग के दिन या 15 दिन के समय में 2, 3 या 4 गुना हो जाते हैं, इसीलिए इंडेक्स में इतनी तेजी हो रही है। हाल की बड़ी तेजी के बाद एसएमई आईपीओ से जुड़े शेयरों में अब क्या रणनीति होनी चाहिए, अब ये भी समझते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसएमई सेक्टर में अभी तेजी का दौर बाकी है, क्योंकि बहुत सारी नई कंपनियां आने वाली तिमाहियों में आईपीओ बाजार के जरिए दस्तक देने वाली हैं। मेन बोर्ड आईपीओ की तुलना में एनएसई के इमर्ज और बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली कंपनियों के लिए नियम उतने सख्त नहीं है। एसएमई कंपनियों को न्यूनतम इश्यू साइज, खुलासे की जरूरतों इत्यादि जैसे नियमों से छूट दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निवेशक किसी भी कंपनी में आंख मूंद कर निवेश कर दें। कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि एसएमई सेक्टर के शेयरों का चुनाव करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अच्छे एसएमई शेयरों का चुनाव कैसे करना चाहिए। जानकारी का अभाव, कम लिक्विडिटी और भारी उठापटक जैसी चुनौतियों के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि 500 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाली इन कंपनियों को चुनते समय 5 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। निवेशकों को ऐसे में शेयर चुनने चाहिए जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हो, जिनका बिजनेस मॉडल यूनिक और ग्रोथ वाला हो, वित्तीय प्रदर्शन अच्छा होने के साथ साथ बैलेंस शीट मजबूत हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर हो, यानी ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ कोई मुकदमा ना चल रहा हो और जिनके मैनेजमेंट पर कोई हेराफेरी के आरोप ना हो। कुल मिलाकर मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखने वाले एसएमई सेक्टर में जितना जोखिम है उतना ही रिटर्न डिलीवर करने का दमखम भी। ऐसे में स्थापित और बड़ी कंपनियां बनने से पहले इनकी पहचान करने के लिए और इनमें एंट्री लेने के लिए निवेशकों को अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक होने की जरूरत है। अगर कोई दुविधा हो या खुद रिसर्च ना कर पाए तो निवेश सलाहकार से राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेन बोर्ड कंपनियों में 15,000 रुपये के एक लॉट की तुलना में एसएमई कंपनियों में आईपीओ में न्यूनतम निवेश राशि 1,00,000 रुपए है।